हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो गाइस, आपको यह कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी आपको इसमें माइलेज मिलती है, कितना इस बाइक का ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो ये सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो आपको सेम वही लुक मिलता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि इस बाइक में रेगुलर आती है क्लासिक 350 में, सेम वही लुक आपको मिलती है। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। रेट्रो स्टाइलिंग में आपको इसकी हेडलाइट की सेटअप मिलती है, जो हेडलाइट काउल आपको मिलता है इसमें ब्लैक फिनिशिंग में दिया हुआ है, जो काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। और ऊपर साइड में आपको दो पायलट टैंप लगे मिलते हैं, जैसा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में सभी बाइक्स में आता है। तो सेम वही लुक आपको इसमें मिलती है। हैलोजन बल्ब की आपको हेडलाइट मिलती है। और गाइस, यहाँ पे बात करें इसके टर्न सिग्नल की, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो राउंड शेप में आपको इसका टर्न सिग्नल लगा मिलता है, एलो शेप में दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब बात करें इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगा मिलता है, टेलीस्कोपिक 41mm फोक्स 130mm ट्रेवल टाइप का आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है इस बाइक में, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन फ्रंट में ऑफर किया गया है। तो रॉयल एनफील्ड की जो भी बाइक्स आती हैं उसमें आपको सस्पेंशन आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका फ्रंट फेंडर आपको कुछ इस तरह मिलता है। इसमें आपको जो फ्रंट फेंडर मिलती है ये मेटलिक का इसमें दिया हुआ है। अब बात करें इस बाइक के सेफ्टी फीचर्स की, तो यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको ABS लगा मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो आपको काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। ABS आपको देखने को मिल जाती है, फ्रंट और रियर दोनों साइड में ABS दिया हुआ है। तो फ्रंट में आप देखेंगे इसमें आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलता है, 300mm का इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। और ब्रेक कैलिपर आपको इसमें मिलता है, वाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। व्हील साइज आपको जो मिलता है फ्रंट में 19 इंचेस का व्हील साइज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो टायर लगा मिलता है इस बाइक में 100/90 इंचेस का फ्रंट में ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है। और सस्पेंशन पे आप दोनों साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा मिलता है। और गैस, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो एलॉय व्हील का पैटर्न आपको देखने को मिलती है, इसमें हल्का सा आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जिससे इसका लुक है काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो इस साइड से भी देखेंगे तो आपको जो इसका लुक निकल के आता है काफ़ी यूनिक लगता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। जो इसमें एलॉय व्हील्स पे आपको हल्का सा क्रोम देखने को मिलता है, जिससे यह बाइक और भी प्रीमियम लगती है देखने में। तो कुछ इस तरह से है इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। तो लेफ्ट साइड से आपको यह बाइक कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस, आपको जो फ्यूल टैंक इसमें लगा मिलता है, आप हम नोटिस करेंगे तो फ्यूल टैंक 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इस बाइक में, जो रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स में आपको मिलती है। और जो फ्यूल फिलिंग लीड आपको मिलती है, क्रोम का इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे टैंक पर तो आपको जो नंबरिंग देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, रॉयल एनफील्ड की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। और RE यहाँ पे देखेंगे जो नंबरिंग आपको देखने को मिलती है, जो क्लासिक 350 सिग्नल मॉडल में जितनी भी बाइक्स आती हैं उसमें आपको नंबरिंग डिफरेंट देखने को मिल जाती है, जैसा कि इस बाइक में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और साइड पैनल पे आप देखेंगे तो क्लासिक 350 सिग्नल की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगा मिलता है इस बाइक में, 5-speed गियर बॉक्स दिया हुआ है। और साइड स्टैंड इंजन कटअप का आपको सेंसर मिल जाता है, जो सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। अगर आपकी बाइक का साइड स्टैंड ऑन है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स अब 2022 मॉडल में जितनी बाइक्स आ रही हैं उसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो गाइस, यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 349cc का एयर ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगा मिलता है, जिसमें आपको जो मैक्सिमम पावर निकल के आती है इस बाइक में 20.2 BHP की आपको पावर मिलती है एट 6100 RPM पे मैक्सिमम पावर मिलती है। और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है इस बाइक में 27 Nm का आपको टॉर्क मिलता है एट 4000 RPM पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है, जो काफ़ी पावरफुल आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे राइडर फुट पैक्स कुछ इस तरह से आपको लगे मिलते हैं। और इस बाइक में लो मेंटेनेंस चेन लगी हुई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे साड़ी गार्ड, ये सारी एसेसरीज आपको जो मिलती है इस बाइक में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, डिसेंट क्वालिटी का लगी मिलती है। तो ओवरऑल बात करें तो यह बाइक जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस बाइक की। अब बात करें इस बाइक के सीटिंग कम्फर्ट की, तो आपको जो इसमें सीट लगी मिलती है, आप हम नोटिस करेंगे इसमें ब्राउन कलर की सीट दिया हुआ है, आपको स्प्लिट सीट मिलती है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। और जो
जिसमें आपको सीट हाइट मिलती है। इस बाइक में 805 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। और कंफर्ट की बात करें तो इसका जो कुशनिंग आपको मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें सीट लगा मिलता है। जो रॉयल एनफील्ड ने इसमें सीट ऑफर किए हुए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीट लगा हुआ है, जिसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, जिससे आपको कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा खासा आपको कम्फर्ट मिल जाता है। सिटिंग कम्फर्ट के मामले में आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो इसका प्लेन ग्रेस मिलता है कुछ इस तरह से मेटलिक का इसमें दिया हुआ है। और गाइस यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा इस बाइक का रियर प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकल के आता है। और जो इसमें टेल लाइट आपको मिलती है, एलईडी का टेल लाइट आपको मिल जाता है, राउंड शेप में दिया हुआ है, रेट्रो स्टाइलिंग में मिलती है। और रियर साइड में भी देखेंगे रियर फेंडर पे तो आपको यहाँ पर एक नंबरिंग देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और टच सिग्नल आपको मिलता है, येलो कलर में दिया हुआ है, राउंड शेप में मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल, तो आपको यह बाइक कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्यूल टैंक की तरफ आए तो फ्यूल टैंक पे भी देखेंगे तो आपको नंबरिंग देखने को मिल जाती है, जो क्लासिक 350 सिग्नल की एक पहचान है जिसमें आपको नंबरिंग देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पर देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है और इस तरह से यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है। और जो इसमें एग्जॉस्ट आपको मिलता है ब्लैक कलर में इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से आपको इसका एग्जॉस्ट लगा मिलता है। और साइड पैनल पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नल 350 की आपको बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक की रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन लगी मिलती है इस बाइक में ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर आपको लगा मिलता है, जिससे आप 6 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जो काफ़ी अच्छी बात है। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है, जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ है, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक का सपोर्ट लगा मिलता है 270 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है विथ ABS के साथ। और जो रियर में आपको व्हील साइज लगी मिलती है 18 inches का आपको व्हील साइज मिलती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें रियर में, तो रियर में आपको जो टायर लगा मिलता है 120x80 18 inches का रियर में ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से है इस बाइक का रियर प्रोफाइल। अब बात करें इस बाइक के स्विचेज की, तो बाइक के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पासी लाइट का आपको स्विच मिलता है, यहाँ पर टर्न सिग्नल और हॉर्न के स्विच दिया हुआ है, आपको ऊपर साइड में आई बटन मिल जाता है। और नीचे साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर USB चार्जिंग आपको सॉकेट मिल जाता है, फ्रंट में ही दिया हुआ है। और हैंडलिंग आपको कुछ इस तरह से इस बाइक मिलती है। और राइट हैंड में भी आपको जो स्विच मिलता है इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट का आपको स्विच मिल जाता है, हजार लाइट का आपको स्विच मिल जाती है। और मीटर कंसोल आपको जो मिलती है सेम आपको मिलती है, इसमें आपको 7 डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। ऊपर साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो मीटर लगी मिलती है लॉन्ग मीटर मिलता है जो कि किलोमीटर के लिए है। और जो डिस्टेंस मीटर आपको देखने को मिलती है इसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे ट्रिप ए ट्रिप बी। गाइस यहाँ पे इसमें कनेक्शन नहीं है, इस वजह से मैं इसे ऑन करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे ट्रिप ए ट्रिप बी, फ्यूल इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड RE की आपको क्लासिक 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि क्रोम में दिया हुआ है। और हल्का से यहाँ पे जो मीटर कंसोल के ऊपर आपको क्रोम देखने को मिलती है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती देखने में। अब बात करें इस बाइक के डायमेंशंस की, तो इसका जो कर्वेट निकल के आ रहा है गाइस 195 kg का इसका वेट मिलता है। ओवरऑल लेंथ मिलती है इस बाइक की 2145 mm का इसका लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो इसका जो विड्थ आपको मिलता है 785 mm का विड्थ दिया हुआ है। और ओवरऑल हाइट मिलता है इस बाइक का 1090 mm का हाइट दिया हुआ है। और व्हील बेस की बात करें तो क्लासिक 350 सिग्नल में आपको जो व्हील बेस मिलती है 1390 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो मिलती है इस बाइक में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और सीट हाइट आपको मिलती है इस बाइक में 805 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। ओवरऑल बात करें तो इस बाइक में आपको जो फीचर्स मिलता है, जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, रियर में भी डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है इस बाइक में, और पावरफुल इसमें इंजन लगी मिलती है। और टैंक पे आप नंबरिंग देख पा रहे होंगे, जो नंबरिंग आपको इस बाइक में जो सिंगल मॉडल है इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिल जाती है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है। ओवरऑल आपको यह बाइक काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा मिलता है। तो गाइस आपको यह बाइक कैसी लग रही है क्लासिक 350 सिग्नल नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस का, तो इस बाइक का जो प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 210,385 rupees इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस है। और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस होगा वाराणसी में 242,725 rupees की ऑन रोड प्राइस होगी। गाइस ये प्राइस एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में विजिट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलती है नियर अबाउट 30 से 35 km/h की आपको माइलेज इस बाइक में मिल जाती है। तो गाइस ये रहा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल का डिटेल रिव्यू। आपको रिव्यू और बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।